हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोन मनी चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सिबिल स्कोर के बारे में। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर्सनल लोन से रिलेटेड वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने कभी कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड अवेल किया था या अभी रनिंग में है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको अपना सिबिल स्कोर पता होना चाहिए। जितना अच्छा सिबिल उतना ज़्यादा लोन लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, और जितना कम सिबिल उतना कम पॉसिबिलिटी। सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के सभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मेंटेन करता है। सिबिल मींस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिबिल क्रेडिट ट्रांजैक्शन के आधार पर एक स्कोर जनरेट करता है जिसे सिबिल स्कोर कहते हैं, जो सभी बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज लोन देने से पहले चेक करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिबिल स्कोर डिपेंड किसके ऊपर करता है। आप क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं तो आप इस लोन या क्रेडिट कार्ड का ईएमआई टाइम पर पे करते हैं, इसका सारा रिकॉर्ड सिबिल के पास होता है। टाइम पर दिए गए पेमेंट सिबिल स्कोर को इंक्रीज करते हैं एंड लेट से दिए गए पेमेंट सिबिल स्कोर को डिक्रीज करते हैं। सिबिल में 0 से लेकर 900 तक का स्कोर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर -1 है तो इसका मतलब है आपने कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। अगर आपको अपना सिबिल स्कोर जनरेट करना है तो आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेकर उसके टाइम पर पेमेंट कीजिए ताकि कभी वक्त पड़ने पर आप लोन ले सकें। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है तो इसका मतलब है आपने लोन या क्रेडिट कार्ड तो लिया था बट उसे यूज़ करते हुए 6 महीने से कम ही टाइम हुआ है। इन दोनों सिचुएशन में बहुत ही कम चांसेस होता है लोन मिलने का। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 0 या -1 है, आप लोन के लिए देख रहे हैं तो आप लोन मनी की वेबसाइट पर क्वेरी कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मल्टीपल्स बैंक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे विद बेस्ट रेट। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 350 से 650 के बीच में है तो इसका मतलब है आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड तो लिया था बट उसका टाइम पर पेमेंट नहीं किया या फिर अभी तक उसमें ओवरड्यू चल रहा है। इस कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से लोन अवेल करने में। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 350 से 650 के बीच में है और आप लोन देख रहे हैं तो आप लोन मनी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ कुछ बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा हो सकता है या फिर कुछ कंडीशंस भी हो सकता है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 750 के बीच में है, ये स्कोर बताता है कि आपको बैंक लोन कर देगा पर उसमें बैंक प्रोफाइल से रिलेटेड या बैंक के इंटरनल पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है। अब अगर आपको अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज करना है तो आप क्रेडिट कार्ड या लोन का टाइम पर पेमेंट कीजिए। अगर आपका सिबिल 650 से 750 के बीच में है और आप लोन देख रहे हैं तो लोन मनी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि इतने सिबिल में कौन सा बैंक आपको लोन करेगा विद बेस्ट रेट। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच में है तो इसका मतलब है आपने आज तक सारे क्रेडिट कार्ड्स सारे लोन्स की ईएमआई टाइम पर दिए हैं और हर एक बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी रहेगा। ये स्कोर बहुत अच्छा है, इसे हमेशा मेंटेन करके रखिए। अब अगर आपका सिबिल 750 से ऊपर है और आप लोन के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप लोन मनी पर क्वेरी ज़रूर करें या फिर कॉल ज़रूर करें, बिकॉज लोन मनी आपको बैंक के कंपैरिजन में बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्रोसेसिंग फीस देता है विद मल्टीपल बैंक्स ऑप्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 0 और -1 या फिर ख़राब स्कोर पर लोन मिलेगा। ऐसा कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं है कि 0 या -1 या फिर ख़राब सिबिल पर लोन नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि जिस बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का पॉलिसी क्या है। इसके लिए आप लोन मनी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपको लोन देंगी आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग। आप सिबिल स्कोर कैसे चेक करें? आप सिबिल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
www.sebil.com। इसके कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि वहाँ क्लियरली मेंशन होते हैं। मुझे आशा है कि सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आप क्वेरीज़ के लिए लोन मनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.loanmoney.in या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8130222111। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।